खाने को मिलेगा कॉफी बगल में इस शेर को भगाने के लिए टाइगर को। हेलो मैडम, इंग्लिश और हिंदी? पोमेलो फ्रूट है, ग्रेप फ्रूट। सेम ऑरेंज मौसमी फैमिली का बड़ा फ्रूट है। वेट लॉस के लिए यूज करेंगे, ड्राई फ्रूट्स होता है, जॉन्डिस के लिए और जूस भी बनता है, जॉन्डिस के लिए भी अच्छा होता है। हमारे घर में अक्सर मिलते हैं, हमारे बिहार में तो घर घर पे मिलेगा। आगे जाइए, आगे। मैं बीच में रहता हूँ, नहीं तो चिल्लाना पड़ता। तो अभी पापा आया नहीं, ये हमसे लाठी मिल गया। और ये जो कॉफी प्लांट है, रोबस्टा कॉफी प्लांट है, 100 इयर्स लाइफ होता है, 2.4 इंच कैफीन कंटेंट, इसका बड़ा पत्ता होता है, फ्रूट राउंड शेप में रहता है, साल में एक ही बार मिलता है, और एक बार प्लांट किया तो 5 साल तक वेट करना है, और 95 इयर्स तक मिलता रहता है साल में एक बार। दिसंबर मंथ एंड में पूरा पक जाता है, लाल हो जाता है। आउटर पल्प को कॉफी वाइन के लिए यूज़ करेंगे, पल्प को, अंदर का बीज रहता है ना, सीड्स, उसको सुखाना है 20 दिन, उसके बाद में रोस्टिंग मशीन में रोस्ट करना है आधा घंटा 200 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद ही कॉफी स्मेल आता है। 2.4 इंच कैफीन है, फिल्टर कॉफी में ज़्यादा यूज़ करेंगे इसको। और रुक गया ना, और कॉफी में कैफीन रहता है ना, वो आपको नींद उड़ा देता है, फोकस रहता है। गाइस ये जो बता रहे हैं जो कॉफी बगल में हम लोग आए हैं, ये जो बॉर्डर दिख रहा है ना कलर का, ये बंदर को डराने के लिए रखा है। बंदर खून को देख के डरता है। अच्छा, ये समझ लेगा बंदर, समझ लेगा ये खून है, ऐसा देख समझ के एक बार जाएगा। तो हम लोग हैं इलाके लेके, हमारे गांव में घर सब 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 सुन रहे हैं लास्ट पे। हेलो कैप कैप मैडम, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं ना आपको भी। ये जो कॉफी प्लांट है, अरबिका कॉफी प्लांट है, 50 इयर्स लाइफ होता है प्लांट का, अरबिका। हाँ, इसको भी एक बार प्लांट किया तो 5 साल तक वेट करना है, उसके बाद 45 इयर्स तक साल में एक बार मिलता है। इसका फ्रूट ओवल रहता है, पत्ता छोटा रहता है, पतला स्टेम रहता है। अभी अभी बोल रहा हूँ सर, पत्ता सो द लीफ विल बी स्मॉलर इन साइज, थिन स्टेम एंड ओवल फ्रूट, दोज आर राउंड फ्रूट। Okay. Yeah, that's how you identify the coffee plants. So this is like world production is 70%, 1.2 mg caffeine content. For instant coffee use this, you can add any flavors to it. तितली उड़ गया, देखा तितली, ब्लू मोर मून, वो फेमस है, बहुत फेमस है इंडिया में। ये जो आवाज आ रहा है ना आवाज, ये सिकाड़ा इंसेक्ट है, सिकाड़ा, सुन रहे हैं लास्ट पे। स्टारबक्स वो अरबिका ज्यादा यूज करते हैं, इंडिया में अरबिका रोबस्टा दो मेन है। और ये जो आवाज आ रहा है ना गिर गिर गिर, ये सिकाड़ा इंसेक्ट है, सिकाड़ा लॉन्गेस्ट लिविंग इंसेक्ट है, और लाउडेस्ट मेकिंग साउंड, लाउडेस्ट नॉइज मेकिंग इंसेक्ट है, और 17 साल धरती का अंदर रहता है, 17 साल धरती का अंदर, एक उसका कॉस्ट्यूम दूसरा रहता है। 17 साल के बाद में लाखों कीड़ा बाहर आ जाता है, और कॉस्ट्यूम्स को ओपन करके दूसरा विंग्स आ जाते हैं, उसको सेकेंड स्टेज है वो। सब मेल आवाज कर रहे हैं फीमेल को इम्प्रेस करने के लिए, मीटिंग करके दोनों मेल फीमेल मर जाएगा, सब मेल आवाज कर रहा है अभी। और इधर 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 ये जो क्लाइंबर दिख रहा है ना, क्लाइंबर प्लांट, पान के पत्ते के जैसे दिख रहा है ना, ये पान के पत्ता नहीं है पर कब पान की फैमिली है। अच्छा, और ये जो इधर दिख रहे हैं ना, पेपर है, ब्लैक पेपर, ग्रीन पेपर, सॉरी ब्लैक पेपर और व्हाइट पेपर दोनों एक ही क्लाइंबर में मिलता है, कच्चा रहता है ना, ये हरी कलर का रहना, इसको सुखाएंगे एक 20 दिन, 20 दिन सुखाने के बाद ये काला बन जाता है, वो ब्लैक पेपर है। व्हाइट पेपर के लिए पक जाता है, लाल हो जाता है,
पकने के बाद दिस गर्ल नो हाउ टू मेक द पिकल्स फ्रॉम दिस या वेल रॉ वन इज यूज्ड फॉर पिकल्स एंड राइपन वन वी नीड टू सोक इन वाटर रिमूव द आउटर शेल दिस गर्ल मेक पिकल्स शी इज ओल्ड ओके सो आउटर स्किन इफ यू रिमूव दैट इनसाइड सीड इज वाइट पेपर यहां पे सब बढ़िया से बताया जा रहा है जो चीज है यहां स्टॉप 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 और ये जो ऑर्किड प्लांट दिख रहा है ना वेनिला एसेंस सो वो दे ऑन दैट फैट टॉल ट्री यू कैन सी वन क्लाइंबर इज क्लाइंबिंग अप सेम वेनिला एसेंस क्लाइंबर ओनली सो वी डोंट हैव ऑर्किड बीज इन इंडिया सो वी हैव टू डू हैंड पॉलिनेशन मैन्युअली इन जनवरी विल बी गेटिंग द फ्लावर्स सो आफ्टर हैंड पॉलिनेशन विल बी गेटिंग पॉट्स देन ओनली अ सिंगल ड्रॉप इज रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर वेनिला आइसक्रीम 1 टू 2 लीटर वेनिला आइसक्रीम दैट स्ट्रांग इट विल बी सेकंड एक्सपेंसिव स्पाइस इन द वर्ल्ड एक्सपेंसिव स्पाइस जनवरी में आता है कब आता है कौन सा टाइम में आता है वो पता नहीं है मेरे घर में 30 फीट का दो है सैफ्रन पर अभी भी कुछ नहीं आता ना स्मेल आता ना कुछ आता लगाने को तो लगा दिया हूं 30 फीट का दो हो गया है तो पूछ लीजिए बहुत बड़ा है वो वाला तुम हाइक तक आप बीच में आ जाइए सर ब्लॉगिंग कर रहा है हाँ ब्लॉगिंग कर नहीं इधर इस तरफ जाना है यहाँ पे गाइस इस फॉरेस्ट में कोई जानवर तो नहीं है बस इंसान ही घूम सकता है बट यहाँ पे बहुत बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है बहुत ही अच्छी वाइब आ रही है यहाँ पे आप कहाँ से आ रहे हैं फिलहाल आए हैं हुबली से हम हैं यूपी वाले थोड़ा आता है थोड़ा थोड़ा सात साल हो गए इधर हम लोग को नहीं आते हैं स्प्रेड हो जाए इस तरफ और ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है 6 महीने बारिश होता है इधर वेस्टर्न घाट से लाल कलर का मिट्टी है वेस्टर्न घाट से 6 महीने का बारिश में बारिश के बाद 3 महीने विंटर है और ये पहला साल है बारिश नहीं गिर रहा है ये बारिश का समय है बारिश नहीं आ रहा है क्लाइमेट चेंज और ये जो प्लांट दिख रहा है ना ये छोटी इलायची का प्लांट है सो प्लांट लाइफ इज 15 ईयर्स ईयरली ट्वाइस विल बी गेटिंग Once you plant it, you need to wait for 3 years. After 3 years, you'll be getting yearly twice. Plant के नीचे देखिए यहाँ पे दिख रहे हैं छोटी इलायची थर्ड एक्सपेंसिव स्पाइस है वर्ल्ड का बहुत महंगा रहता है Plant also you can see. Can you see that? Oh, over there. There's more. Yeah. Yeah, but. और ये जो लंबा पेड़ दिख रहा है ना ये लंबा पेड़ तो दिस इज अरेकनट बीटल नट सुपारी ट्री वंस यू प्लांट इट यू नीड टू वेट फॉर 5 years टिल 50 years यू विल बी गेटिंग बीटल नट अरेकनट और तेज पत्ता पता है तेज पत्ता ये कड़ी पत्ते तेज पत्ता चार तेज पत्ता बेलीफ पुलाव बिरयानी में यूज होता है और ये जो पत्ता है ये वाला ऑल स्पाइस का पत्ता है ऑल स्पाइस एक पत्ता में पूरा स्पाइस का फ्लेवर रहता है क्लोव सिनेमन कार्डमम इंडिया में ज्यादा यूज नहीं करेंगे आउटसाइड कंट्री ज्यादा यूज कर सकते करता है और इंडियंस लोग आपको पता है ना सब स्पाइसेस अलग अलग ही परचेज करता है क्लोव सिनेमन कार्डमम सब चिल्ली ऑल स्पाइस छोटा रहने में बहुत सेंसिटिव रहता है और इसलिए ग्रीन शेडेड नेट रहता है प्लांट प्लक किया तो लीव्स को मर जाता है बड़ा होना चाहिए बड़ा होने के बाद ये कर सकता है इस तरह